इसको अभी हम यहाँ पे क्लिक करके हमने यहाँ से पावर पॉइंट को खोला, तो हमारी जो ये वाली कल वाली इंट्रो की इसको हमें एनिमेट करना है। अब एनिमेशंस में एक तो नॉर्मली हमारे पास जो एनिमेशन हम इसको दे रहे होते हैं वो इस तरह से कि आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको किसी भी तरह का एक एनिमेशन इफेक्ट हम दे सकते हैं, जैसे इसको टेक्स्ट बॉक्स को या इसको, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके हम इसको यहाँ से क्लिक करके मोर एंट्रेंस में चले जाते हैं और इसको एक एंट्रेंस का इफेक्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको एक इफेक्ट देते हैं इस तरह से कि जो फ्लाई इन करेगा या इस तरह से, या इसको यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं, फ्रॉम लेफ्ट साइड कर देते हैं इसको यहाँ से क्लिक करके इफेक्ट ऑप्शंस में जाके, तो ये इस तरह से आ रहा है। और सिमिलरली अगर हम इसको ये इफेक्ट देना चाह रहे हैं तो इसको भी हम यहाँ से क्लिक करके मोर एंट्रेंस पे क्लिक करते हैं और फ्लाई इन करते हैं, फ्रॉम राइट साइड करते हैं इसको इस तरीके से, और यहाँ पर ये इस तरह से आ रहा है। तो ये दो इस तरह से इफेक्ट परफॉर्म होंगे कि पहले ये चीज़ आएगी एंड देन फिर ये परफॉर्म होगा। इसी तरीके से अगर हम इसको यहाँ पे क्लिक करके और इसमें हम एनिमेशन पेन में चले जाते हैं, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं डबल क्लिक, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलते हैं स्मूथ स्टार्ट, स्मूथ एंड और बाउंस के। स्मूथ स्टार्ट एंड स्मूथ एंड में क्या होता है कि एनिमेशन को अगर आप स्मूथ स्टार्ट करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से एक थोड़ा सा प्रेशर के साथ आके वो यहाँ पे रुक जाता है, और यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करके इसे डबल क्लिक करते हैं और उसको स्मूथ स्टार्ट जगह स्मूथ एंड करते हैं और उसको ओके करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से डील हो रहा होता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर क्लिक करके और प्रीव्यू करते हैं तो ये कुछ इस तरह से चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, और इस पर भी क्लिक करके अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं और इसका स्मूथ एंड ले लेते हैं, तो कुछ एनिमेशन में कुछ इफेक्ट में कुछ यहाँ पे ठहराव सा आ जाता है। प्रीव्यू किया हमने यहाँ पे, इधर आ गया और ये इधर आ गया। ठीक है, वाइल अगर हम बात करें सपोज टू बी इसकी एनिमेशन इफेक्ट की, तो इसको अगर हम जाके यहाँ से फ्लाई इन का कोई इफेक्ट देते हैं या कोई भी ऐसा इफेक्ट देते हैं जिसमें ये यहाँ से आ जाए, टाइम नहीं किसको इनको ना? बोलो 5-10 मिनट ठहर दो, बिठा दो। ठीक, तो यहाँ से क्लिक करके हम इसको क्लोज कर देते हैं, और इसको अगर आप कैसे यूट्यूब को हम किस तरह का इफेक्ट देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको एक इफेक्ट देना चाहते हैं कि ये यहाँ पर ऊपर से आएगा, तो इसको भी हम एक फ्लाई इन इफेक्ट ही देते हैं, या इसके इसको हम एक अच्छा इफेक्ट है मोर में जाके, जैसे कि यहाँ पर एक आता है राइज अप इफेक्ट है। ठीक है, तो ये राइज अप इफेक्ट इसे काम करता है, तो ये आ रहा है इस तरह से। अब इस पर डबल क्लिक करके इसमें कोई एस इन एस आउट का इफेक्ट नहीं है, तो अगर हम इसको फ्लाई इन ही देते हैं फॉर एग्जांपल और इसको हम फ्रॉम टॉप से लेकर आते हैं और ये इस तरह से आएगा, ये सिंपली आ रहा है ना इस तरह से, तो ये देखिए थोड़ा सा कि ये ऐसे रुक जाता है, ये ऐसे रुक जाता है, ये ऐसे आ रहा है सिंपली। इस पर क्लिक करके हमने यहाँ पर डबल क्लिक किया और उसको बाउंस इफेक्ट दिया। बाउंस इफेक्ट में अगर हमने ये चीज़ ऐड करी, हल्का सा बाउंस किया ऐसे, डबल क्लिक किया और उसमें थोड़ा सा ये ऐड कर दिया और उसको ओके कर दिया, तो ये ऐसे थोड़ा सा बाउंस किया, और मज़ीद अगर हम इस पर क्लिक करके इस तरह का इफेक्ट डालेंगे तो फिर ये बाउंस इफेक्ट कुछ इस तरह का क्रिएट होगा। ठीक है, तो इस तरह के बाउंस इफेक्ट्स भी आप में अट्रैक्शन पैदा करने के लिए कहीं ना कहीं आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम बाउंस हम इस तरह का दे देते हैं, ये देखिए हल्का सा बाउंस कर रहा है, थोड़ा और ज़्यादा करा लेते हैं इसको बाउंस, तो ये यहाँ पे हल्का सा और ज़्यादा बाउंस कर देगा, ये देखिए। तो अब ये एनिमेशन इफेक्ट कुछ इस तरह का क्रिएट होगा। अब मैं ये दोनों चाह रहा हूँ कि ये दोनों जो है ना एक साथ परफॉर्म हो जाएं, ये भी और ये भी, तो इसका एनिमेशन इफेक्ट ये है और इसका एनिमेशन इफेक्ट ये है, तो इस पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर जाके इसको विद प्रीवियस कर देते हैं और इस वाले को क्लिक करके भी विद प्रीवियस कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि ये थोड़ा इस तरह से हो जाएगा, ये दोनों इधर से आ गया और ये इधर से आ गया। ठीक है, सिमिलरली अब ये वाला जो इफेक्ट है हैंड्स इफेक्ट जो है, ये इसको हम बताना चाह रहे हैं कि ज्वाइन इसके साथ ये फिर काम करेगा, तो यहाँ पे हम पहले क्लिक करके ज्वाइन। अब देखिए मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करने में ज़रा प्रॉब्लम होता है चीज़ों को कि किस तरह से वो सेलेक्ट की जा रही होती है, तो इसके लिए हमारे पास एक और सोल्यूशन ये है कि हम सिलेक्शन पेन में जाके यहाँ से हम क्लिक करेंगे और सिलेक्शन पेन में जाके हमने इन सब के नाम रख लेने हैं। ठीक है, कैसे नाम रखें, ज्वाइनस का नाम है, इसका रेक्टेंगल सेलेक्ट है, इसका रेक्टेंगल पाइप है, तो इसका नाम हम ज्वाइनस ही रख लेते हैं। ठीक है, और फिर इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्रांसफॉर्म स्किल्स, तो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं हम इसको। ठीक है, और इस पे क्लिक करके पिक्चर एड पे इसका नाम क्या है, इस पे ये हैंड्स का पिक्चर बनी हुई है तो हैंड्स, ठीक है, इसका नाम रख दिया। उसको पिक्चर 10 पे क्लिक किया और उसका नाम क्या है, यूट्यूब लोगो, तो यहाँ से यूट्यूब का नाम रख देते हैं इसके ऊपर। और उस पे क्लिक करके पिक्चर 10 पे क्या है, सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब, तो यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से कर देंगे। इस पे क्लिक करके इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है हमारा सोशल मीडिया किट, तो सोशल किट
नाम रख देते हैं इसका, ठीक है। और फिर जो है हमारा कौन सा रह गया, आईटी वर्ल्ड नाम है इसका, तो इसका नाम आईटी वर्ल्ड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके इसका नाम क्या है, राशिद, तो इसका नाम हम राशिद रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक करके, और इसका नाम हमें क्या रखना है, सपोज टू बी, अच्छा सोशल किट इसका नाम था, तो किसका नाम हमने सोशल किट रख दिया, सोशल किट, अच्छा उसके नीचे जो सोशल किट के नीचे जो फ्रेम है उसका नाम है, तो सोशल किट को उठा के इसके नीचे ले आते हैं पकड़ के, और यहाँ पे इसका नाम हम रख देते हैं फ्रेम, ठीक है, सोशल फ्रेम नाम रख देते हैं, सोशल फ्रेम। तो ये इस तरह से ये अप्लाई हो जाएंगे। अब इसका एडवांटेज ये है कि जो सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा था, तो अब आप यहाँ से क्लिक करके इजीली उनको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ से फिर आप एनिमेशन पेन खोल के उन पर इजीली एनिमेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक आसान तरीका हो जाएगा चीज़ों को एडजस्ट करने का, समझने का, और यहाँ पर भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। अच्छा, अब ज्वाइन इसको हम जो इफेक्ट देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इसको मोर इंट्रेंस में जाके इसको हम ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ इफेक्ट इस पर अप्लाई हो। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ड्रॉप इफेक्ट भी है, फ्लॉट इफेक्ट भी है, तो फ्लॉट इफेक्ट कुछ इस तरह का है कि ज्वाइनस कर ले इस तरीके से, ड्रॉप इफेक्ट जो है वो कुछ इस तरह से काम करेगा, तो फ्लिप इफेक्ट है वो कुछ इस तरह से काम करेगा, पिनव्हील इफेक्ट है तो इसमें ये इस तरह से ज्वाइनस निकल के आ जाएगा, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और ज्वाइनस जैसे ही निकल के आ रहा है, तो फिर इसके साथ हम इसको एड एनिमेशन करके, और यहाँ से मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स में इसके साथ कुछ उसमें एक और इफेक्ट भी ऐड करना चाहेंगे, सपोज टू बी कम्प्लीमेंट्री कलर चेंज वगैरह है, ब्रश कलर है, या फिर इसका पल्स इफेक्ट है, वो हम इस पे इस तरह से देना चाहेंगे, और इसको क्लिक करके इसको ओके कर देंगे। फिर रह गया इसके बाद जो इसका हमारे पास ये हैंड्स बने में आ रहे हैं, इस पे क्लिक करके ऐड एनिमेशन पे या फिर एनिमेशन में जाके इसको हम किस तरह से दिखा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक करके, और ये जो है वाइप भी करा सकते हैं इनको इस तरीके से, फैड भी करा सकते हैं इस तरीके से, तो ये ज़्यादा फैड वाला इफेक्ट ज़्यादा इस पे सूट कर रहा है, तो हम इसको इस पे लगा देते हैं। और इस पे लगाने के बाद इस तरह, अब फैड इफेक्ट जो हमने इस पे लगाया है, तो इसके ऊपर देखें आफ्टर एनिमेशन ये कोई इम्पैक्ट डाले, कलर चेंज करे, या हाइट हो जाए, या इसकी टाइमिंग वगैरह को चेंज करना हो, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन और मजीद इस पे कोई इसके साथ ऑप्शन है नहीं। अच्छा, उसके साथ साथ अब उसके बाद हमारे पास आएगा जैसे ट्रांसफॉर्म योर स्किल, ज्वाइनस हो गया, तो ट्रांसफॉर्म योर स्किल्स के ऊपर बात करेंगे, तो यहाँ से सब्सक्राइब वाला सिलेक्ट हो रहा है क्लिक करने पे, तो यहाँ से क्लिक करेंगे ट्रांसफॉर्म वाले को, वो इजीली सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर जो एनिमेशन इफेक्ट हम बनाना चाह रहे हैं, वो हम इस तरह का बनाना चाह रहे हैं उसमें जाके, और इसको हम करते हैं सपोज टू बी ड्रॉप है और फ्लिप है, और फ्लिप इस तरह से करेगा और ड्रॉप इस तरह से करेगा। अब इस चीज को देखें, हम थोड़ा सा करते हैं जैसे करेंगे, तो ये थोड़ा स्लो काम करेगा। अब इसको स्लो को थोड़ा फास्ट करने के लिए ड्यूरेशन इसका 1 सेकंड का, इसको कम करके हम कर देते हैं 25 सेकंड के, यानी कि 1 सेकंड की चौथाई हिस्से के ऊपर, और इस पर डबल क्लिक करके जो इसका एनिमेशन है बाई लेटर पे सेट हुआ हुआ है, अगर हमें थोड़ा जल्दी कराना है तो बाई वर्ड पर सेट कर लेते हैं, और हर किसी के दरमियान में 50% का डिले है। पहले देख करते हैं कैसे कर रहा है काम, ये देखिए, अगर ये अच्छा लग रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर इससे अच्छा करना है इसको काम, तो हम इसको बाई लेटर पर डाल देते हैं, बाई लेटर पर डाल देते हैं, ओके कर देते हैं, और ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से एक अच्छा सा इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर इसको ये जो एनिमेशन टेक्स्ट इसका इफेक्ट है, इसको कम करके हम 30 पे कर देते हैं और ओके कर देते हैं, और फास्ट हो गया। और अगर हम इसको कम करके 10 पे ले आते हैं, तो ये और फास्ट काम करेगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से अपने विजुअलाइजेशन पर डालना चाह रहे हैं, तो उस तरह के विजुअलाइजेशन पर आप इसको डाल दें, और इस तरह से देखें टेक्स्ट ये आपके परफॉर्म कर देगा। सिमिलरली अगर हम इसको जैसे सपोज टू बी ये हमने इसको राशिद वाले को यहाँ से लेफ्ट दिया था, तो यहाँ पे राशिद वाले पे क्लिक करते हैं, और इसका जो एनिमेशन इफेक्ट है वो यहाँ पे इस तरह से अप्लाई है। तो यहाँ पे देखिए एनिमेशन टेक्स्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ रहा है, ऑल एट वंस लिखा हुआ रहा है। ऑल एट वंस पे क्लिक करके हम इसको अगर हम करेंगे बाई लेटर, तो देखिए ये भी इफेक्ट कुछ इस तरह का डालेगा, ठीक है। और इसको अगर मैं थोड़ा सा क्लिक करके यहाँ से जो इसका डिले है 10% का है, और इसको हम थोड़ा सा कम बढ़ाते हैं, सपोज टू भी थोड़ा थोड़ा देर करें, तो ये 50% के डिले पर डालते हैं और ओके करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से परफॉर्म करेगा, ठीक है। इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए इसको कम कर देते हैं यहाँ पे, उसको रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और ये देखिए इस तरह का इफेक्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं बाय लेटर, बाय वर्ड, और इस तरीके से ऑल एट वंस पे। तो सिमिलरली ये भी इफेक्ट आप जो है यहाँ से इस पर लगा सकते हैं, और इन सेटिंग्स के अंदर इन इफेक्ट्स को इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप इसको करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो इसको इसी तरह से कर सकते हैं कि अगर आप इस पर डबल क्लिक करें और इसको भी बाय लेटर पर रखें और बाय लेटर कर देते हैं, और इसको भी आप 10 के बजाय 40% का जो डिले है वो रख के ओके करेंगे, तो ये भी कुछ इस तरह से काम करेगा, ये देखिए। तो थोड़े सी चेंजेस के बाद आप देखेंगे थोड़ा सा कितना ज़बरदस्त इम्पैक्ट उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है, ओके करें इसके ऊपर, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके इसको हम 50 पे लेके जाते हैं, तो फिर कुछ इस तरह से काम करेगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए
लर्निंग की कि किस तरह से आप उसके अंदर अट्रैक्शन पैदा करते हैं। अच्छा, अभी राशिद वाला जो है, अगर इसका हम उसका अलाइनमेंट राइट कर देते हैं टेक्स्ट का, तो यहाँ पे राशिद वाले को सिलेक्ट करके एनिमेशन पे, तो यहाँ से क्लिक करके अलाइनमेंट राइट कर देते हैं। तो अब एनिमेशन में देखते हैं कि किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है। ये देखिए, वहाँ से पीछे से की तरफ से ये लेटर्स इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर आपने जो आईटी वर्ल्ड जो आपने इसको दिया है, इसका भी अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर कलर इफेक्ट वगैरह इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसमें एडिंग में जाके मोर एम्फेसाइज इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। लेट्स सपोज इसके ऊपर अगर हम ये एक इफेक्ट अप्लाई करें शिमरिंग का, तो ये देखिए शिमरिंग का इफेक्ट दोबारा, इतना कलर पल्स का इफेक्ट डालेंगे तो ये देखिए और ज़्यादा इस पर अट्रैक्शन ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये ओके कर देते हैं इसके ऊपर, और इसको अब ये क्योंकि बाद में लगाया है और ये उसके साथ ही रखना चाह रहे हैं, तो इसको पकड़ के यहाँ पे इसके बाद रखेंगे, और ये इसके बाद अप्लाई करना है, तो इसके साथ रख के इसको करेंगे आफ्टर प्रीवियस, और आफ्टर प्रीवियस करने के बाद ये इसके साथ परफॉर्म होगा। अब इस पर क्लिक करके इसमें देखें बाई लेटर है, डिले इसमें है नहीं, तो डिले हम इसमें ऐड कर देते हैं सपोज टू बी 20 का, और इसमें जब 20 का डिले ऐड करेंगे तो कलर हमने इसमें व्हाइट रखा हुआ है। आप कलर जो भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं, आई थिंक व्हाइट पे ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ये देखिए इस तरीके से। तो सिमिलरली अगर आप इसको प्रीव्यू कर रहे हैं, तो आप ये देखिए इफेक्ट कैसे बनेगा इसके ऊपर, देख रहे हैं, समझ में आ रही है बात की। तो बात इतनी आई कि एनिमेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव काम है, और इसको आप जितना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेंगे उतना अट्रैक्शन आपका बढ़ता जाएगा। अब सेम सिमिलरली हमने उसके ऊपर राशिद के साथ ये वाला एनिमेशन इफेक्ट डाला है, तो अगर यही वाला इफेक्ट मुझे इस पे देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए जी एनिमेशन पेंटर यूज़ कर लेंगे यहाँ से, लेकिन ये तो काम ही नहीं कर रहा इसके साथ, यहाँ पे कोई कॉपी का ऑप्शन भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, एनिमेशन पेंटर पूरा ऑब्जेक्ट का कॉपी करेगा, ठीक है ना, फिर पूरे ऑब्जेक्ट को अप्लाई करेगा, इसमें सेटिंग थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो सकती है। तो यहाँ से आप क्लिक करके एड एनिमेशन में जाके मोर एम्फेसाइज इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से वही कलर पल्स देंगे, कलर विद कलर, ग्रो विद कलर भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हमारा स्क्रीन से आउट हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसके लिए फिर इस तरह का इफेक्ट काम नहीं करेगा। और ये इस पर हमने इस तरह से लगा दिया, और इसको क्लिक करके बाय लेटर्स और डिले इसका हमने थोड़ा सा 20 का वही सेम रख लिया इसके साथ, ताकि ये उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाए, और इसको उठा के इसके साथ रखेंगे और उसको करेंगे आफ्टर प्रीवियस, और ये उसके साथ विद प्रीवियस पर रहेगा। अब इफेक्ट देखिए इस तरह से काम करेगा, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि दोनों इफेक्ट एक साथ काम करें, तो इसको उठा के फिर हम इसके साथ नीचे ले आएंगे, और उसके बाद इसके साथ हम यहाँ पे रख के इसको प्रीव्यू करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका इफेक्ट कुछ काम करेगा। अब इसमें यहाँ पर जो है हालांकि डिले तो नहीं है, और एक एनिमेशन के बाद ये आफ्टर चला और ये इसके आफ्टर चला, ठीक है। तो ये इफेक्ट हमारा कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, तो देखिए इस तरीके से काफी हद तक हमारा काम इस पे कंप्लीट हो चुका है। अब ये इसके बाद ये आता है हमारे पास सब्सक्राइब वाला बटन, और फिर सोशल मीडिया किट पे भी चलते हैं, तो सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करके हम इसको ऐड कराते हैं। तो ये किस तरह से काम करे, फॉर एग्जाम्पल ये हल्का सा स्लाइडली आके इसके ऊपर थोड़ा टच करे, तो उसके बाद हमारे पास जो ये इफेक्ट है उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ से लेते हैं फ्लाई इन इफेक्ट ही लेते हैं इसको, और यहाँ से हम इसको फ्लाई इन करा के पिक इन करके देखते हैं, डिजॉल्व इन करके देखते हैं पिक इन पे क्या हो रहा है, डिजॉल्व इन पे क्या हो रहा है। ये देखिए ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी बहुत अच्छा है, और ये भी अच्छा है, पिक इन में क्या कर रहा है, देखिए ये ऐसे आ रहा है। अच्छा, पिक इन पे क्लिक करते हैं, इफेक्ट ऑप्शन पे जाके फ्रॉम लेफ्ट से करते हैं इसको और राइट से करते हैं, तो ये कुछ इस तरह करेगा। और पिक इन इफेक्ट पर डबल क्लिक करके हम इस पर, लेकिन हमारे पास इसमें वो मजीद एनिमेशन मिलती नहीं है इसके अंदर ना, तो पिक इन हम इस पर नहीं लगा रहे, हम इस पर जाके वही लगाते हैं फ्लाई इन। तो फ्लाई इन करते हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, क्योंकि उस पर हमें काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, और जो मैं इसके साथ करना चाह रहा हूँ फ्रॉम राइट, वो आप देखिएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो इस पर क्लिक करके हम यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करते हैं, और यहाँ से जाके पिक इसका जो बाउंस है उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं आगे करके, और उसको ओके करते हैं, तो ये देखिए इस तरह से, और बल्कि हम इसको थोड़ा सा और जोर से लेकर आते हैं, तो यहाँ पे लाके इसको करेंगे ये इस तरह का बाउंस क्रिएट करेंगे, और इसको और अगर फास्ट करना है या थोड़ा स्लो करना है तो उसको एक सेकंड पे कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए ये आएगा इस तरीके से, और यहाँ पे ये इस तरह से अप्लाई हो गया, एंड देन फिर ये इधर आ गया, एंड ये ज्वाइन इस हमारा यहाँ आ गया, और ये इसने हमें इस तरह से दिया, ट्रांसफॉर्म करा दिया, और ये हमारा इस तरह से क्रिएट हो गया। फाइनली रह गया हमारा सोशल मीडिया वाला किट, तो यहाँ पे क्लिक करके, तो यहाँ पे हमने सोशल मीडिया किट के ऊपर एक अच्छा सा इफेक्ट है जो मैंने हमेशा इसके ऊपर ही अप्लाई करता हूँ सोशल मीडिया किट के ऊपर मोर इंटेंस इफेक्ट पे जाके, वो है राइज अप। तो राइज अप इफेक्ट इसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, नीचे से कोई भी प्रोडक्ट आ रहा होता है उसको ये इजीली अप्लाई करता है, लेकिन ये हमने अप्लाई कर दिया सोशल मीडिया फ्रेम के ऊपर, किट पे अप्लाई करना था, तो यहाँ से हम गए इसके ऊपर और यहाँ से हमने राइज अप इफेक्ट को लिया। राइज अप इफेक्ट है, फ्लॉट अप इफेक्ट भी है, फ्लॉट अप में देखिए क्या हो रहा है, ये इस तरह से आ रहे हैं, तो पहले राइज अप लगाते हैं, फ्लॉट अप नीचे वाले पे देंगे। अब उसके बाद राइज अप इफेक्ट जब हम लगाएंगे इसके ऊपर, तो सोशल मीडिया किट पे यहाँ पे जाएंगे,
अब इसके साथ स्मार्ट एनिमेशंस में आए एज एन ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे हम कहेंगे एड बाय लेवल बाय वन और रिवर्स ऑर्डर करके देखते हैं, ओके करते हैं। तो ये देखिए सही है, और अगर आप इसका रिवर्स ऑर्डर नहीं करते हैं तो फिर आप इसको जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिवर्स ऑर्डर छोड़ेंगे तो फिर पहले इस साइड से आएगा, देख रहे हैं? कुछ तो चेंज आया होगा, कुछ था इसमें सीखने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए नहीं था। अच्छा ठीक है फिर, तो फिर आप बना के दिखाना, फिर देखेंगे कैसा बना के दिखाते हैं। सही है, तो उसके बाद डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, यहाँ से क्लिक करके टाइमिंग्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे से लेते हैं हम इसके ऊपर स्मार्ट, इस पर जाके रिवर्स ऑर्डर ज़्यादा बेहतर लग रहा था मुझे, इसके ऊपर क्लिक करके ओके करेंगे, और यहाँ से हम इसके ऊपर जो सोशल फ्रेम है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करके हमने ओके थोड़ा सा इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से हम इसको करेंगे मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स पर, और इस पर हम करेंगे यहाँ से जाके फ्लॉट अप कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हल्का सा फ्लॉट अप आएगा इसके ऊपर, और ये हम इस पर लगाएंगे, लेकिन ये फ्लॉट अप इससे पहले काम करेगा, तो इसके ऊपर रख देते हैं यहाँ पे, और इस पर क्लिक करेंगे आफ्टर एनिमेशन पे हम क्लिक करेंगे आफ्टर प्रीवियस, और इसके साथ इसको रखेंगे विद प्रीवियस पर। ठीक है, तो ये दोनों इस पर इस तरह से काम करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से इस पे काम कर लेगा, तो इस तरह ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा एनिमेशन का मामला, कि जिसपे हम किस तरह से मुख्तलिफ एनिमेशन को इस पे लगा रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं। अब रह जाएगा इसका बैकग्राउंड का म्यूजिक, जो भी हम इसके अंदर बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाएंगे वो इस पर अप्लाई कर देंगे, और ये फिर इस तरीके से हमारा पूरा इंट्रो इसका क्रिएट हो जाएगा, जो हम अपनी वीडियो में लगा सकते हैं। अब फाइनली इन सबको यहाँ से वापस करना है कि स्क्रीन से ये गायब हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके एनिमेशन पेन पे जाके ये सारे के सारे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, और ये ऐसे करके सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से इनको एक इफेक्ट देंगे, सपोज टू बी मोर इफेक्ट्स पर चले जाते हैं, और यहाँ से एक तो इफेक्ट है फैट का देंगे, तो सारे के सारे डायरेक्टली फैट के साथ रिमूव हो जाएंगे, तो यहाँ से क्लिक करेंगे कॉन्ट्रैक्ट पे, तो इस तरह से ये रिमूव होंगे आहिस्ता आहिस्ता, और अगर फैट पे देंगे तो ये फिर इस तरह से सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हम बेसिक जूम देंगे तो ये इस तरह से एक एक करके चीज़ें चली जाएंगी। ठीक है, लेकिन हम इसको सबको एक साथ ही लेके जाना चाह रहे हैं, तो हम इसको ये बेसिक जूम ही देते हैं, और इस पर क्लिक करके आई थिंक ये वाला सिलेक्ट नहीं हुआ इसके साथ। ठीक है, तो जो सिलेक्ट नहीं हुआ उसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ पहले हम सबको सिलेक्ट करेंगे, तो पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं, और होम में जाके यहाँ से सिलेक्शन पेन को खोल लेते हैं यहाँ से जाके, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे शिफ्ट के साथ, सारे एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे। ठीक है, कंट्रोल के साथ फिर ऐसे करके सेलेक्ट करके देखते हैं, अब सारे सेलेक्ट हो गए तकरीबन, और फिर अब इसको जाके एनिमेशंस में जाके यहाँ से करेंगे, और यहाँ से इसको करेंगे मोर एग्जिट पाथ में इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करके, और यहाँ से हम इसको करेंगे स्ट्रिची करते हैं, ये सही है स्ट्रिची इफेक्ट सही है, इसको ओके करेंगे, तो अब ये गलती हो गई इसके अंदर। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं करना, इसको करना है ऐड में जाके, ठीक है मोर एग्जिट पाथ में, और यहाँ से इसके ऊपर स्ट्रिची इफेक्ट्स जो था वो ये लगा दें, तो ये सारे इफेक्ट्स इस पर ऐड हो जाएंगे, और फिर इन सबको हमने विद प्रीवियस कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्लिक करके इसको करते हैं आफ्टर प्रीवियस, और इसमें और इसके दरमियान में जो डिले है हम रखेंगे इसमें 1 सेकेंड का डिले रखते हैं, और अब इसको स्लाइड शो पे करके देखते हैं। अच्छा, स्लाइड शो पे ये भी देखना होगा कि ये सेट हुआ हुआ है क्लिक के ऊपर, तो उसमें हमें इसको भी सेट करना होगा कि इनके जो ऑर्डर्स हैं वो क्लिक पे ना रहें, और इसको हम उठा के दूसरी चीज़ों पर रखें। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करते हैं, पहला वाला ऑर्डर जो है विद प्रीवियस है, फिर विद प्रीवियस है, फिर आफ्टर प्रीवियस है, फिर आफ्टर प्रीवियस है, फिर ये ऑन क्लिक है, इसको आफ्टर प्रीवियस करेंगे, एंड देन जॉइंट पे इसको आफ्टर प्रीवियस करेंगे, फिर इसको भी आफ्टर प्रीवियस करेंगे, हैंड्स जो है वो उसके साथ विद प्रीवियस कर देंगे, एंड ट्रांस जो है वो आफ्टर प्रीवियस कर देंगे, एंड सब्सक्राइब जो है वो उसको भी आफ्टर प्रीवियस कर देंगे, सोशल फ्रेम आफ्टर प्रीवियस करेंगे, और इसको हम करेंगे विद प्रीवियस। ठीक है, और ये वाला जो है हमारा आफ्टर प्रीवियस ही रहेगा। ठीक है, अब स्लाइड शो करके देखते हैं जरा इसके ऊपर। ओके, ये वाला रह गया।
ये बाद में क्यों जा रहा है, ये रह गया होगा उसके अंदर, ये सारे के सारे एक साथ ही फेड होने चाहिए। तो ये वाला आफ्टर प्रीवियस हो रहा है और ये बाकी इसके साथ प्रीवियस हो रहा है, ठीक है। इस पे हमने असल में डिले दे दिया था, तो डिले इसका ख़त्म करते हैं, और फिर या तो थोड़ा सा डिले सब में ही डालना पड़ेगा हमें, क्योंकि सबको थोड़ी देर के बाद करना है, तो 1 सेकंड का डिले देते हैं सब में, ताकि ये 1 सेकंड बाद परफॉर्म हो। और ये वाला जो ट्रांसफॉर्म स्किल वाला है, इस पे क्लिक करके यहाँ से आप क्या था आफ्टर प्रीवियस कर देंगे, ठीक है। और ये इसके आफ्टर रहेगा, देखते हैं इसके ऊपर सही चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमने बनाना है इसको। अच्छा, अब ये जो इमेज लगा हुआ है, बेसिकली अगर इसको हम चाह रहे हैं कि ये इमेज भी जो है गायब हो जाए, तो ये कैसे करेंगे? हाँ, जैसे हमारा ये एनिमेशन चला और यहाँ पर हमने इसको क्लिक किया, और अब आखिर में जैसे ये आया था, हाँ सोचें कैसे करेंगे एग्जिट का एनिमेशन, इमेज पे कैसे देंगे, तो बैकग्राउंड में लगा हुआ है किसका? नहीं ना, ये तो बैकग्राउंड पे लगा हुआ ना इमेज। देखिए, अब हमारा इसका जो ड्यूरेशन है वो कितनी देर का है, पहले इसको देख लेते हैं। ये परफॉर्म हो रहा है हमारा, ड्यूरेशन 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9, 10, 11, 12। 12 सेकंड के बाद ये एंड हो जाता है 13वां सेकंड। तो अब उसके बाद हम इसके अंदर एक इफेक्ट ये कर सकते हैं ट्रांजिशंस को जाके, और इसकी ट्रांजिशन जो है, इस पे इफेक्ट जो लगेगा, अगर मिसाल के तौर पे शुरू में ट्रांजिशन को भी एक अच्छा सा इफेक्ट दे रहे हैं, जैसे कि हमने इसको, इसमें जो हमें इफेक्ट मिल रहे हैं, इस तरह का एक इफेक्ट लगाते हैं ट्रांजिशन पे, तो 14 सेकेंड हम इसके ऊपर सेट करते हैं, 13 सेकेंड, ठीक है। और फिर चेक करते हैं कि क्या इस पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन वो अभी भी खराब नहीं हुआ, सही? तो है कोई जवाब नहीं है। इस तरह के इफेक्ट डालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ी सी ट्रिक को यूज कर लेते हैं, और वो ट्रिक ये है कि हम एक फ्रेम बना लेते हैं, ठीक है। और इस फ्रेम को ऐसे रख लेते हैं, और इस फ्रेम को रख के हमने क्या करना है कि होम में जाके सिलेक्शन पेन में हम इसको रख देते हैं, यहाँ पे जाके क्लिक करते हैं सिलेक्शन पेन के ऊपर, और इसका नाम हम रख लेते हैं सपोज टू बी टॉर्क, ठीक है। डार्क नाम रख देते हैं, और इसको क्लिक करके एनिमेशन पैन में लाते हैं, और इसको क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके हम इस पर कलर दे देते हैं। लेट्स सपोज वो कलर हमने इस पर दे दिया शेप फॉर्मेट में जाके यहाँ से क्लिक करके, और वो कलर था सपोज टू बी ये वाला, या ये वाला कलर दे देते हैं हम इसके ऊपर, ठीक है। और इसकी आउटलाइंस जो है हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि भाई ये डार्क जो है ये परफॉर्म होगा, अब ये परफॉर्म कब होगा, इस पर क्लिक करेंगे, इसके एनिमेशन पर जाएंगे, कलर तो इसका चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। ये परफॉर्म होगा, और ये परफॉर्म कब होगा, ये परफॉर्म होगा एनिमेशन में जाएंगे हम यहाँ से, और सब कहेंगे फैड, ठीक है। और ये कब परफॉर्म होगा, ये परफॉर्म होगा सबसे लास्ट में, तो इसको रखेंगे आफ्टर प्रीवियस, और इसका ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं 75 सेकंड पर रख लेते हैं, और यहाँ पे स्लाइड शो कर देंगे। अब तो स्क्रीन पे कुछ आया, हो गया। तो इस तरह से आप इस एनिमेशन को यूज कर सकते हैं, और फिर आखिर में ब्लैक हो जाएगा, और फिर जो वीडियो का आगे वाला मामला है उसका शुरू हो जाएगा।